अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल फ्रेंड्स। हमारा लेसन नंबर 3 है, डिस्काउंट शीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स मौजूद हैं, अली, आसिफ, गुल। तो मूसा, आरिफ वगैरह वगैरह। इसको पहले सजा देते हैं। यहाँ गए, बॉर्डर सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर, बॉर्डर्स दिए, फिर परचेजिंग। अली ने की 400 की शॉपिंग। परचेजिंग का जो कॉलम है, इट मींस के किस कस्टमर ने कितने की परचेजिंग की, यानी कि कितने की ख़रीदारी की, कितने रुपए की ख़रीदारी की, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट के उनको कितने डिस्काउंट देने हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा अगर उनका डिस्काउंट बनता है तो। फिर यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी कि जो उनसे लेनी है, डिस्काउंट के पैसे काट के टेकिंग पे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 400 की शॉपिंग अली ने की, उसामा ने की 700 की शॉपिंग, आरिफ आसिफ ने की 600 की शॉपिंग, असद 700, गुल 500, मूसा 800, जैद 300, आरिफ ने की 700 की शॉपिंग, हुर 200, और खान ने कितने की, इसने भी चलो 900 की कर दी। ठीक है, तो इसमें मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है, मतलब आपका पूरा एक वो है मॉल। तो आपके पास ये कस्टमर्स हैं, आए हुए हैं आपके शॉपिंग करने पे। तो आपने एक शर्त रखी है कि भाई जो 500 से ज़्यादा की शॉपिंग करेगा, मैं उसको ही डिस्काउंट दूंगा। जो 500 से कम की शॉपिंग करेगा, उसको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद इजीली ये खुद ही बता देगा किसको डिस्काउंट देना है, किसको डिस्काउंट नहीं देना। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसने 500 से कम की शॉपिंग की, किसने 500 से ज़्यादा की शॉपिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया कीबोर्ड पे, ठीक है। इफ़ लिखा, इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद परचेजिंग सेल ये रहा, ये सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद लेस देन का बटन प्रेस किया, लेस देन का बटन प्रेस करने के बाद इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि 500 से कम वाले को कोई डिस्काउंट ना हो, तो मैं यहाँ पे 500 लिख रहा हूँ। अगर मैं चाहता कि 700 से कम वाले को कोई डिस्काउंट ना हो, तो यहाँ पे मैं 700 लिखता। तो लेस देन का बटन प्रेस किया, फिर इज इक्वल टू, फिर 500 लिखने के बाद कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास, फिर नॉट डिस्काउंट लिखा, इन्वर्टेड कॉमास, इसके बाद फिर कॉमा के बाद फिर इफ़ के बाद दोबारा ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद परचेजिंग सेल ये रहा, सेलेक्ट किया, कॉमा के बाद दोबारा यही सेल सेलेक्ट किया। ये सेल दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस किया कीबोर्ड पे, और उसके बाद देखें, अब मैंने ये तो ऐलान कर दिया
के जो 500 से कम की शॉपिंग करेगा उसको कोई डिस्काउंट नहीं, और डिस्काउंट है तो 500 से ज़्यादा वाले को ही मिलेगा। लेकिन मैंने ये तो नहीं बताया कि कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूँ। 25%, 50%, 75%। तो मैं अगर चाहूँ कि 25% डिस्काउंट दे दूँ तो यहाँ पे मैं 25 लिखूँगा। अगर मैं चाहूँ कि 75 दे दूँ तो यहाँ पे 75। बहरहाल मैं 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ। 25 लिख के परसेंटेज का बटन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ब्रैकेट एक बार क्लोज़ किया, फिर दो बार क्लोज़ किया। दो बार क्लोज़ करने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो देखें, ये पहले ही बता रहा है कि भाई इसने 400 की शॉपिंग की है तो इसको नॉट डिस्काउंट। अब इसी को यहाँ कोने से पकड़ के पूरे पे अप्लाई करेंगे तो देखो आप, ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि भाई गुल ने 500 की शॉपिंग की है, इसको कोई डिस्काउंट नहीं। क्योंकि मैं तो ऐलान तो ये किया है ना कि जो 500 से ज़्यादा की शॉपिंग करेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा। अगर गुल भाईजान 501 रुपये की भी शॉपिंग करते तो इसको डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन 500 से कम वाले को कोई नहीं है, 500 से ज़्यादा वाले को ही है डिस्काउंट। तो हुर 200 की शॉपिंग की नॉट डिस्काउंट, जैद 300 की शॉपिंग की नॉट डिस्काउंट। जिसने ज़्यादा शॉपिंग की है 500 से ज़्यादा की उसको डिस्काउंट दे रहा है ये, और डिस्काउंट की अमाउंट भी बता रहा है कि उसामा ने 700 की शॉपिंग की तो 175 रुपये इसके डिस्काउंट हो गए। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा माइनस का, इजिकल टू का बटन प्रेस किया, परचेजिंग सेल सेलेक्ट करके माइनस का बटन प्रेस किया कीबोर्ड पे, और डिस्काउंट का सेल सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो इसको तो कोई डिस्काउंट ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही बताएगा वैल्यू। तो इसको कोने से पकड़ के सब पे अप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो गया। देखें हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई उसामा ने 700 की शॉपिंग की है तो 175 रुपये उसके डिस्काउंट के बन गए। तो 700 में से 125 रुपये माइनस कर दो अगर, तो बचेंगे 525 रुपये। तो 525 रुपये उससे ले लेने हैं हमने। अगर इसी तरह मैं यहाँ पे इसकी भी वैल्यू चेंज कर दूँ, इसने 300 की शॉपिंग की है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई इसने 850 की शॉपिंग कर दी, तो अब इसका नॉट डिस्काउंट ही हट जाएगा। देखो नॉट डिस्काउंट की बजाय 212 रुपये और 5 पैसे इसको शॉपिंग पे डिस्काउंट है। अब मैं कर दूँ अगर 700 तो इसको वही डिस्काउंट दे रहा है जो 700 वालों को दे रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 5 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये हमारा लेसन यहीं तक का था, इतना ही था। ये क्योंकि बेसिक्स एक्सेल का सेक्शन चल रहा है तो बेसिक में बेसिक चीज़ें ही हैं, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेसिक। हाँ अलबत्ता एडवांस में है काफ़ी कुछ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है एडवांस। खैर घबराना घबराने की कोई बात नहीं है, कर लेंगे आप, इतना भी मुश्किल नहीं है। चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।